students, so this video is for the student of BBA and MBA second semester who are having a topic Operation Rsearch, so in which you have to study about the assignment problem. तो इस assignment problem से related जितनी भी theory है और जो इसका working rule है उसका link मैंने description box में दिया हुआ है, so I suggest कि पहले आप वो link से पूरा working rule पढ़िए, theory पढ़िए and then come to this video जिसमें हम सॉल्व करेंगे कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करना है. ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके पास वर्कर्स होते हैं एंड जॉब्स होती हैं. यू हैव टू असाइन द जॉब्स टू द वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उन लोगों का कंज्यूमिंग है. जैसे अगर कोई वर्कर है तो वो कितना टाइम कंज्यूम करता है, या कोई वर्कर है उसकी क्या एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए एंड देन आपको एक टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है. तो ये जैसे गिवन है तो ये आपको गिवन है कि फोर टास्क हैं और आपके पास फोर पर्संस हैं जिनको आपको ये टास्क असाइन करना है. और ये जो सेल्स हैं ये सेल्स डिनोट करते हैं कि ये कितना टाइम ले रहे हैं और कितनी हमारी कॉस्टिंग होने वाली है. बट डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम मैट्रिक्स है या कॉस्ट मैट्रिक्स है. तो आवर मेन गोल इज दैट कि वी हैव टू मिनिमाइज द टाइम और मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट जैसा भी हम असाइन करते हैं. तो इस असाइनमेंट के लिए हमको ये चेक करना है कि हम ए पर्सन को इसमें से कौन सा टास्क असाइन करेंगे, या सी को कौन सा टास्क असाइन करेंगे, या फिर डी को कौन सा टास्क असाइन करेंगे. नाउ कम टू द सोल्यूशन. फर्स्ट स्टेप ऑफ द सोल्यूशन इज कि सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि जो आपको प्रॉब्लम गिवन है दैट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. तो बैलेंसनेस ऑफ प्रॉब्लम हम कैसे चेक करते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ रोज हैं दैट शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब जितने टास्क हैं उतने ही लोग आपके पास होने चाहिए, तभी हम वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है और उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं. अगर प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर अलग मेथड तरीके से हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास चार रोज हैं, चार कॉलम हैं, चार लोग हैं, चार टास्क है, दैट मीन्स अवर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, फोर इज इक्वल्स टू फोर. अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे. सेकेंड स्टेप होता है रो मिनिमम. रो मिनिमम में हम ये देखते हैं कि हमको रो वाइज स्टार्ट करना है. जैसे इस फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, एट. तो इस मिनिमम एलिमेंट को हम सब में से माइनस करेंगे. अब जैसे फर्स्ट है 8, तो 8 में से 8 माइनस होगा तो 0. देन 26 माइनस 8 करेंगे तो 26 माइनस 8 विल बी 18. देन 17 माइनस 8 विल बी 9. एंड देन 11 माइनस 8 दैट इज 3. नाउ कम टू द सेकेंड रो. सेकेंड रो मिनिमम एलिमेंट है 4. 13 माइनस 4 दैट इज 9. 28 minus 4, that is 24, 4 minus 4, 0, and 26 minus 4 will be 22. Now, in this, यहाँ पे सबसे minimum element है 15. 15 को हम elements में से minus करेंगे, तो 38 minus 15 will be 23. 19, 19 minus 15 will be 4. 18 minus 15 will be 3, 0. 19, अब यहाँ पे हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है 10, तो हम करेंगे 19 माइनस. देन 26 माइनस 10 विल बी 16. देन 14 एंड देन 0. नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलम मिनिमम. अब कॉलम मिनिमम में हमको कॉलम वाइज चेक करना है. तो अब फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी हमको एक जीरो मिल चुका है, तो इस जीरो यही हमारा मिनिमम एलिमेंट है. जीरो को सब में से माइनस करेंगे तो एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज. देन कम टू द सेकेंड रो. सेकेंड रो मिनिमम एलिमेंट है 4. तो अब आपको 4 को इन सब एलिमेंट्स में से माइनस करना है. तो 18 माइनस 4 विल बी 14. 24 माइनस 4 20. 4 माइनस 4 0. एंड 16 माइनस 4 विल बी 12. इस कॉलम में ऑलरेडी जीरो है, आप कुछ भी माइनस करेंगे एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज. और इसमें भी आपके पास दो जीरो मिल चुके हैं, दैट मीन्स मिनिमम एलिमेंट इज जीरो, सो नथिंग विल चेंज. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. अब फिफ्थ स्टेप ये होता है कि सबसे पहले तो आपको जो मैट्रिक्स मिली है
वो मैट्रिक्स आप एज इट इज लिखेंगे. 0, 14, 9, 9, 3. Then 9, 20, 0, 22. And the last is 9, 12, 14. ये जो फोर्थ स्टेप होता है यहाँ पे हमको क्रॉसिंग लाइन्स बनानी होती है. अब क्रॉसिंग लाइन्स में आपको ये करना है कि जितने भी जीरोस हैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करनी है सो दैट योर जीरो विल बी कवर्ड. तो ये हम कैसे, इसमें आप एक ट्रिक यूज़ कीजिए कि आपको मिनिमम लाइंस बनानी है तो जहाँ पे मैक्सिमम जीरोस हैं पहले वो लाइन बनाएंगे. तो यहाँ पे हैं दो जीरो हमारे पास एक रो में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस लाइन. तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन. अब आप कोई सा भी रो या कॉलम कंसिडर करेंगे तो आपको सिंगल सिंगल जीरोज ही मिलेंगे. तो अगर मैंने इसको इस जीरो से लाइन से कवर किया, इस जीरो को इस लाइन से कवर किया, अब एक और बच रहा है तो आप ऐसी लाइन बना सकते हैं और आप कॉलम लाइन में बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो हमारे पास टोटल फोर लाइंस हो गई हैं. तो इस स्टेप में हम ये देखते हैं कि दैट योर नंबर ऑफ लाइंस शुड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज और कॉलम. अगर ऐसा है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए हमको एक स्टेप और बीच में आता है जिसको हमको कैरी ऑन करना पड़ेगा. तो वो आप वर्किंग रूल में पढ़ सकते हैं और उसको हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट मेथड जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कंसीडर कर लेंगे. नाउ अब आपको क्या करना है, अब हमको डायरेक्ट असाइनमेंट्स करने, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज इक्वल आ गए. तो अब सेम एलिमेंट्स हम वापस से लिखेंगे, 0, 14, 9, 3, 9, 20, 0, 22, 23, 0, 3, 0, 9, 12, 14, 0. अब हमको करना है असाइनमेंट. तो इस स्टेप को आप बहुत अच्छे से देखिए कि आपको असाइनमेंट करना कैसे है. जो भी असाइनमेंट्स होते हैं वो जीरो वाले सेल में होंगे, मतलब अ सेल कंसिस्टिंग जीरो विल गेट असाइंड. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टास्क था T1, T2, T3, T4. अब असाइनमेंट आप हमेशा पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करो. जिस रो में आपको एक सिंगल जीरो मिल रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे असाइनमेंट होगा. और जब आपने असाइनमेंट के लिए इसको बॉक्स बना लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में अगर कोई एक्स्ट्रा जीरो है तो वो कट आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जीरो है ही नहीं. नाउ कम टू द नेक्स्ट रो. तो इस रो में भी केवल एक ही जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे असाइनमेंट होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई जीरो है तो वो कट होगा, तो यहाँ कुछ भी जीरो नहीं है. नाउ कम टू द थर्ड. तो थर्ड वाले में क्या है, यहाँ पे दो जीरोज हैं, दो जीरोज हैं. तो अब यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन स्टेट है कि आप इसमें असाइन करेंगे या इसमें असाइन करेंगे. तो जब भी आपके पास ऐसा कंफ्यूजिंग वाला स्टेट आएगा तो आप उस स्टेप को स्किप कर दीजिए. नाउ कम टू द फोर्थ रो. अब फोर्थ रो में केवल सिंगल जीरो है तो यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा. तो हम तीन असाइनमेंट कर चुके हैं, बस एक असाइनमेंट और बचा है आपके पास में. तो वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, रो वाइज तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें से किसको करेंगे. जब हमने फोर्थ रो के अकॉर्डिंगली यहाँ असाइन किया तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो भी एक्स्ट्रा जीरो होगा वो कट हो जाएगा. तो एक्स्ट्रा जीरो है ये, तो दिस जीरो विल कट. तो अब कौन सा बचा हमारे पास, केवल यही जीरो बचा. तो यहाँ पे हो जाएगा असाइनमेंट. और ये सब क्या डिनोट कर रहा है, ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है, दैट मीन्स जो ए वर्कर है उसको टी वन फर्स्ट टास्क असाइन हुआ है. जो सेकेंड वर्कर है बी उसको टी थ्री मतलब थर्ड टास्क असाइन हुआ है, सी को सेकेंड टास्क असाइन और डी को फोर्थ टास्क असाइन हुआ है. तो दिस इज द असाइनमेंट प्रॉब्लम मैथड. होप यू गेट इट. थैंक यू.